हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आइए आज हम त्रिकोणमिति का चार लॉन्ग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि संभावित प्रश्न है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार चैनल पे आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर दे आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रूफ करना है। ओके, तो देखिए प्रूफ करते कैसे। त्रिकोणमिति का प्रूफ करने का सिंपल एक फंडा है कि आपको फॉर्मूला याद होना मांगता है। फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप प्रूफ कर पाओगे। और हर टाइप का अलग अलग सवाल होता है, तो कुछ ऐसा सवाल होगा जो आपको बनाते बनाते आपको माइंड में आ जाएगा, अच्छा इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे हल करता हूँ, सोल्व करता हूँ। पहले हम LHS को हल करेंगे, हमारा RHS आ जाएगा, ठीक है ना। तो लिखते हैं LHS क्या है, जो है पहले उतारते हैं cosec a माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या है sec a माइनस cos a, मैं लिख लिया। अब देखिए इसमें क्या करना है, कौशिक का फॉर्मूला होता है साइन के रूप में होता है ना, सो कौशिक का फॉर्मूला होता है वन बाई साइन ए, हम यहाँ पे कर सकते हैं। और साइन को साइन ही रहने दो, साइन ए को साइन ही ऐसी रहने दो। अच्छा, सेक का फॉर्मूला होता है कॉस के रूप में, कॉस के रिस्पेक्ट में सेक का फॉर्मूला होता है वन बाई कॉस ए, और यहाँ पे कॉस ए को तुम ऐसे ही रहने दो। उसके बाद देखिए क्या करते हैं, उसके बाद ये समझ आ गया। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या भिन्न का जोड़ कर लेंगे, अंदर अंदर एलसीएम लेंगे, साइन ले लेता हूँ एलसीएम साइन ए, तो वन माइनस का जाएगा, वन नीचे छुपा हुआ, साइन को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा साइन स्क्वायर ए, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा अच्छे से, क्योंकि भिन्न का जोड़ वगैरह। कॉस ले लेंगे एलसीएम, तो वन माइनस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए आपको पता है फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है प्यारे, वन माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, वन माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है बोलो, वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए को मैंने ऐसे लिख देना है। ओके, ये मैंने लिख दिया, इंटू मैं कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखें वन माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है साइन स्क्वायर ए बाई, और कॉस ए को मैं ऐसे लिख दिया। अब एक चीज तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कटने का संभावना बढ़ रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पे कॉस है तो एक एक कॉस कट जाएगा, यहां से कटेगा तो एक कॉस यहाँ पे बच जाएगा, साइन से साइन कटेगा तो एक साइन यहाँ पे बच जाएगा। मतलब मेरे पास क्या आ रहा, मेरे पास आ रहा क्या बोलो साइन ए इंटू कॉस ए, हमारे पास बच गया, स्क्वायर था ना दो पीस था तो एक एक पीस कट गया, इधर से दो पीस था तो एक एक पीस कटा, तो साइन और कॉस मेरे पास बच गया, अभी आंसर नहीं आया मेरा। अब देखो क्या करते हैं, तो इसको तुम ऐसे, ये ऐसा सवाल है ना, इसको ऐसे रहने दो, ये इसको आगे करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं LHS को बनाया मैंने, अब RHS को भी बनाते हैं, इसका भी आंसर यही आना मांगता है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। देखते हैं, कुछ कुछ ऐसा सवाल होता है जिसमें LHS RHS दोनों को प्रूफ करना पड़ता है, तो ये आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। RHS क्या है, वन बाई टेन ए प्लस कॉट ए। ओके, चलिए इसको भी हल करते हैं और उसका आंसर भी यही आना चाहिए, अगर उसका आंसर यही आता है तो प्रूफ हो जाएगा फिर हमारा। ओके, चलिए ये वन है, टेन का फॉर्मूला हम चेंज करते हैं, क्या जानते हैं टेन का फॉर्मूला साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉट का फॉर्मूला कॉस ए बाई साइन ए, हो गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेंगे, ये तो मेरा वन था मेन, बट ये मेन मेरा है, और इसके नीचे क्या करते हैं, इसके नीचे तो कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो गया हमारा एलसीएम हो गया, कॉस ए इंटू साइन ए क्या हो गया एलसीएम हो गया, तो कॉस को कॉस से कट जाएगा तो बचेगा साइन, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई कर क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे साइन को साइन से काट दोगे तो कॉस बचेगा, कॉस को कॉस से गुना करोगे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए। अब ये जो नीचे लो ऊपर चल जाता है, आपको पता नीचे लो कहाँ जाता है, ऊपर चल जाता है, तो कॉस ए क्या होगा इंटू साइन ए चला गया ऊपर में, और ये क्या है इसका वैल्यू क्या होता है बोलो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है वन होता है ना डायरेक्ट ऑप्शन, इस ये जो ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया, ये जो उससे मल्टीप्लाई हो गया वन से, और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बराबर वन होता है, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसको हम सुधार कर ले देते हैं साइन ए इंटू कॉस ए, उसमें भी मेरा वही आया था साइन ए इंटू कॉस ए, और इसको भी हल किए तो वही आ गया, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए क्या लिखते हैं LHS जो है बराबर है RHS का, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया, इतना बनाइएगा आपको पांच नंबर मिलेगा। ओके, आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर, सवाल दूसरा भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सवाल, तो त्रिकोणमिति जितना सवाल है जी आपकी किताब में एनसीईआरटी में सबको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जितना ज्यादा ज्यादा आप रिहर्सल कर सकते हो, ठीक है ना।
तो मुझे क्या बोलता है, ये दिया हुआ सवाल और मुझे ये 10 लाना है, तो ये तो आ जाएगा आराम से, इसको बनाएंगे ये हमारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसको करते हैं सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे मैं पहले एल एच एस जो है यहाँ पे नोट करता हूँ। एल एच एस क्या है प्यारे, देखो पहले मैं लिख देता हूँ एल एच एस, साइन थीटा माइनस टू। ये भी बड़ा आसान है, ये भी बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं, देखिए खाली दिमाग लगाना आपको। टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, आपको क्या लाना है, आपको जाना कहाँ, आपको जाना टेन में जाना है। आप सोचो टेन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे जो तुमको दिख रहा हल करने का सोल्यूशन, पहले उसको हल करो। साइन क्यूब का फॉर्मूला तो आप बैठा नहीं सकते, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं ना, साइन यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं। ये लाइनिंग में पहले डाल देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बराबर के साथ फिर लाइनिंग गड़बड़ा जाता है। तो साइन मैंने ले लिया पहले, अब यहाँ पे साइन कॉमन लिया दोनों से, तो यहाँ पे तो वन बचेगा और टू बचेगा, साइन पर पावर 3 था ना, तो एक साइन तो बाहर निकल गया ना, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, एक तो बच गया अंदर में, ठीक है। यहां भी अब यहां कॉस कॉस मैच कर रहा है, तो हम यहां पे कॉस ले लेंगे कॉमन, कॉस थीटा। तो बोलो यहां पे कॉस पर पावर 3 था, तो एक कॉस निकल गया बाहर, तो क्या बचेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, और ई कॉस तो बाहर निकल गया ना, ई कॉस तो बाहर निकल गया, तो क्या बचेगा, वन। देखो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करो, कॉस आ जाएगा, हम रिवर्स होके देखेंगे तो वही आ जाएगा हमारा आंसर, ओके। अब देखिए क्या करते हैं जी, अब देखो साइन बाई कॉस तो 10 होता है ना, 10 लाने भी बोल रहा, लेकिन ये दोनों जो आ गया, इन लफड़ा को कैसे खत्म करेंगे, चलिए आइए खत्म करते हैं। तो ये पहले तो हम लाइनिंग लेते अच्छा से, साइन को मैं साइन ही रहने देता हूँ, ये साइन को कुछ नहीं करना, ये दोनों कुछ नहीं करना, ठीक है ना, ये दोनों हमारा आ जाएगा आंसर। इसको उड़ाना है, काट के इसको उड़ा देना है। कैसे उड़ाएंगे देखो जी, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 का फॉर्मूला होता है, अब 1 का बहुत सा फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब कौन सा फॉर्मूला पुट करें, तो यहाँ पे साइन के रूप में है, कॉस के रूप में, तो बेहतर होगा साइन और कॉस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। तो 1 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखो कॉस को भी मैं ऐसे कॉस थीटा में लिख दिया, इसको भी तो ऐसे रहने देंगे, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा, टू कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे रहने दो। अब देखो 1 का फॉर्मूला क्या आएगा, फिर यहाँ पे 1 का फॉर्मूला लगेगा, तो 1 का फॉर्मूला वही करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिखते हैं घेर के लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसको मैं बड़ी ब्रैकेट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए घेर के क्यों लिखे, क्योंकि जो है ना, ये माइनस आ गया यहाँ पे, तो माइनस सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे ये लाइनिंग में डाल देता हूँ, यहाँ पे साइन को मैंने साइन नहीं रहने देना, ओके। देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस, आप कॉस लिख लो पहले, कॉस स्क्वायर हो गया। देखो साइन यहाँ पे एक पीस है, साइन स्क्वायर एक पीस है, यहाँ पे साइन स्क्वायर दो पीस है ना, देखो टू साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 साइन स्क्वायर, तो 2 साइन स्क्वायर में से 1 साइन स्क्वायर घटेगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। चलो नीचे भी ऐसे रहने देते, कॉस थीटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू कॉस, एक स्टेप यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा स्क्वायर थीटा, और माइनस को प्लस से गुणा करो, माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, हो गया। चलिए जी अब ध्यान से देखें, यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये तो मेरा ऐसे रहने देना, साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कटेगा जी, ओके, नीचे भी ऐसे ही आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस को मैं कॉस ही रहने देना ऐसे, देखो टू कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर घट जाएगा, घटेगा ना, टू कॉस स्क्वायर में से एक कॉस स्क्वायर घटेगा, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और इस साइन स्क्वायर थीटा, तो ऐसे था। अब देखो यहाँ पे हमको लग रहा, अच्छा हम चाहते तो यहीं से काटते शॉर्टकट में, लेकिन भाई तुमको प्रूफ दिखाना पड़ेगा ना कैसे काट रहे आप, तो अब हमको प्रूफ दिख रहा, देखो दोनों सेम मैच हो गया, दोनों भाई भाई गया काम से, क्या बचा मेरे पास, मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास बच गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और साइन बाई कॉस का फॉर्मूला होता है जी टेन थीटा, ये हमारा आर एच एस का हो गया, प्रूफ हो गया, यही तो बोल रहा था, प्रूफ करिए, प्रूफ करके बताइए, हो गया। तो ये आपको शायद 5 नंबर सवाल पूछा था, ऐसे 3 नंबर सवाल 2 नंबर सवाल में आता है, तो मे भी 5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए तो आप चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर, ये सवाल 5 नंबर वाला लॉन्ग है, इंटरेस्टेड सवाल है, थोड़ा समझ ध्यान लगाना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा, मैं इसको बनाऊंगा और ये आंसर आ जाएगा, जादू नहीं है ये, मैथ है। चलिए तो यहाँ पे मैं करता हूँ सॉल्यूशन, चलिए जी।
और LHS में उतारता हूँ, यहाँ से LHS क्या करते उतार लेते हैं, LHS उतार लेते हैं, क्या दिया हुआ है, साइन थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बाई वन प्लस कॉस थीटा, एकदम ध्यान से समझिएगा नहीं तो आगे घिच पिच हो सकता है जी। ओके मैं लिख लिया यहाँ पे, अब देखो क्या करते हैं जी, आपको करना क्या होगा, यहाँ पे टेन को ना, टेन को टेन का वैल्यू बदल दो यहाँ पे, बाकी सब देखो सब साइन में है कॉस में है। अच्छा हमको लाना क्या, सेक कॉसेक टेन कॉट लाना है, तो यहाँ पे फिलहाल इस सिचुएशन अभी ऐसा बना हुआ है यहाँ पे है कि सब साइन कॉस तो पड़ोसी है ना, साइन कॉस पड़ोसी है, टेन थोड़ा सा अलग आ रहा तो हम टेन को बदल देते हैं, टेन का फॉर्मूला साइन बाई कॉस होता है तो पड़ोसी मैच कर जाएगा, तो हमको इसका पड़ोसी देख लेना है, वन माइनस कॉस थीटा हो गया, ये टेन को बदलो क्या होगा, टेन का फॉर्मूला साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अरे बटा ये वाला जो बटा है ना, ये वाला मैं यहाँ पे लिया, ये लिखा वन प्लस कॉस थीटा, तो मैंने टेन को ऐसे लिख दिया, समझ में आ गया। अब आपको पता है ये वाला जब भाग को मैं गुणा में पलटूंगा तो नीचे, ये जो नीचे है ना ये नीचे आ जाएगा, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे कर ही देता हूँ तुमको, फिर समझ में नहीं आएगा तो देखो, साइन थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा प्लस साइन बाई कॉस लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसके नीचे क्या वन छुपा हुआ है ना, तो वन चला जाएगा ऊपर और वन प्लस कॉस थीटा आ जाएगा नीचे, तो हुआ क्या, देखो ये कॉस नीचे आया ना, देखो कॉस नीचे आ गया, यही बात मैं बोल रहा था। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो बात यहाँ पे लिखा हुआ साइन, मैं ऐसे लिखता हूँ साइन थीटा बाई वन माइनस कॉस थीटा हो गया, अब ये मेरे पास क्या बचा, यहाँ पे साइन को वन से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा, इसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है ये मेरा आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमको करना पड़ेगा भिन्न का जोड़, है ना जी, भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा, तो मैं पहले एक लाइनिंग खींच लेता हूँ ताकि गड़बड़ ना हो जाऊं मैं, तो अब लाइनिंग में खींच लिया, अब मेरा एलसीएम क्या आएगा, यही दोनों तो एलसीएम आएगा ना, मेरा तो एलसीएम यही दोनों आएगा, तो मैं कॉस थीटा ऐसे कर लेता हूँ और वन माइनस कॉस थीटा और वन प्लस कॉस थीटा, ये मेरा एलसीएम आया। अब देखिए इसको इसे डिवाइड करना है ना, तो वन माइनस कॉस ये तो कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा कॉस और वन प्लस कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है ना, चलिए तो पहले यहाँ पे लिखता हूँ साइन थीटा, तो पहले था कॉस से गुना हो जाएगा और इससे भी गुना होगा क्योंकि कटा इससे, कौन कटा, इससे जो ये कटा, तो इसको हम झाप लेते हैं, अब ये जो दिख रहा है आप साइन थीटा, इसको इससे और इससे गुना करना है, तो साइन को कॉस से किया, यहाँ भी गुना करके लिख लेते हैं इसको, इस तरह से क्या लिखेंगे वन प्लस कॉस्ट हो गया, समझ आ रहा, ध्यान समझेंगे तो फिर बड़ा बाउंस करेगा। अब देखो इसको भाग करो, ये वाला पूरी बात को अगर हम भाग करें तो ये देखो ये कॉस वन प्लस कॉस है ना, तो ये कॉस वन प्लस कॉस पूरा कट जाएगा, इतना दूर पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा वन माइनस कॉस, ये वाला बचेगा वन माइनस कॉस को साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये साइन वन माइनस कॉस जो बच रहा इसको साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके तो हम साइन थीटा लिख लेते हैं, साइन थीटा तो वन माइनस कॉस लिखते हैं, वन माइनस कॉस थीटा हो गया। चलिए भाई यहां तक तो समझ में आ गया आपको, अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, देखो वन प्लस कॉस है ना, ठीक है वन प्लस कॉस यहाँ पे मैच कर रहा, तो अब क्या करना होगा, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, इसको इससे करते हैं, इसको इससे भी करते हैं, इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, आइए तो पहले हम लाइनिंग खींच लेते हैं जी, ये वाला लाइनिंग, साइन कॉस को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस हो जाएगा, ठीक है ना, फिर साइन कॉस को कॉस से गुना करेंगे, है ना, साइन कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को तो साइन ही लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन कॉस कॉस होगा तो साइन को तो कॉस, साइन कॉस करेंगे तो साइन कॉस हो जाएगा और कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको हम ये वाली बात को इससे गुना करेंगे तो कॉस को कॉस से करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा जी, और साइन तो ऐसे ही रह जाएगा इसलिए मैंने साइन को ऐसे लिख दिया। ओके ये मेरा आ गया, यहाँ पे भी वही हाल करेंगे, साइन को वन से करेंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा और साइन को कॉस से करेंगे तो माइनस है ना, देखो माइनस यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब देखो कुछ ना कुछ यहाँ पे घटेगा जी, है ना, किसी का इंतकाल भी होने वाला है यहाँ पे, तो ये वाला बात मैं लिखता हूँ ऐसी। अच्छा ये फॉर्मूला भी मेरे को दिख रहा है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला है, तो हम इसको फॉर्मूला में बैठा लेते हैं, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ये वाला और ये वाला भाई बहन था, कट गया। चलिए अब मेरे पास क्या बच गया, मेरे पास क्या बच गया जी, मेरे पास ये दिख रहा और ये दिख रहा है ना, साइन कॉस स्क्वायर दिख रहा और क्या दिख रहा, साइन दिख रहा, बाकी नीचे दिख रहा। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा खाली है ना, अच्छा यहाँ पे क्या है प्लस साइन थीटा। चलिए मैं ले लिया यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे, कॉस थीटा हो गया। अच्छा आपको पता फिर फॉर्मूला था वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है जी, वन माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा होता है, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, बंटवारा कर सकते हैं चाहो तो, बंटवारा कर सकते हो, बंटवारा करने से कोई फायदा नहीं होगा, ऐसा करते हैं हाँ दोनों को अलग अलग बांट देते हैं, ये वाला बात ना, ये जो देख रहे हैं इसको भी देते हैं, ये वाला इसको भी देते हैं, तब आसान से बन जाएगा हमारा। देखो साइन थीठा इंटू कॉस स्क्वायर थीठा हो गया बटे इसको, ये तो दोनों के लिए है ना, ये नीचे वाला दोनों के लिए है, कॉस थीठा इंटू साइन स्क्वायर थीठा हो गया प्लस साइन को भी बांटेंगे तो साइन थीठा बाई कॉस थीठा इंटू साइन स्क्वायर, चूंकि ये नीचे वाला तो दोनों के लिए था। अब यहां से देखो साइन से साइन स्क्वायर कटेगा तो क्या बचेगा, साइन थीठा बचेगा, कॉस से कॉस स्क्वायर बचेगा तो क्या बचेगा, कॉस थीठा बचेगा, बचेगा ना। तो मेरे पास क्या बच गया जी, कॉस बाई साइन, कॉस थीठा बाई साइन थीठा बच गया। अच्छा यहाँ पे कुछ कटता है, बिल्कुल कटेगा सर, साइन से साइन काटेंगे क्या हो जाएगा, साइन थीठा बचेगा, यानी कि मेरे पास बच गया वन बाई कॉस थीठा इंटू साइन थीठा। अब यहाँ पे भी बंटवारा कर देंगे दोनों भाई में, कॉस बाई साइन क्या होता है प्यारे, कॉट होता है जी। अब वन को करेंगे वन बाई, हम अलग अलग कर देंगे, वन बाई कॉस थीठा इंटू वन बाई साइन थीठा, तो मेरे पास क्या गया, कॉट को कॉट ही रहने दो और प्लस है ना, चलो वन बाई कॉस क्या होता है प्यारे, सेक होता है जी, और वन बाई साइन क्या होता है, कॉस सेक होता है ना, एक मिनट यहाँ पे दिख रहा कॉस सेक थीठा, इसको सुधार के पहले सवाल बोलता, पहले पहले सेक इंटू कॉस तब कॉट बोलता लिखने के लिए ना, तो हम भी वैसे ही करते हैं, क्या दिक्कत, हम भी वैसे ही करते हैं, सेक थीठा इंटू कॉस सेक थीठा प्लस कॉट थीठा, क्या हो गया आर एच एस जो है वो प्रूव हो गया, समझ में आ गया, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो को पीछे करके देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। ओके आखिरी सवाल पढ़ते हैं, तो ये है सवाल नंबर चार, बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, इसको बनाते हैं अच्छे तरीके से जी। देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे, एल एच एस यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये बात लिखना है, इसको बनाना, ये आंसर मेरे को लाना है, ठीक है। तो साइन ए और क्या भाई वन प्लस टेन ए प्लस कॉस, कॉस यहाँ पे ए छूट गया है, कॉस ए लिख लेंगे, ठीक है ना, कॉस ए वन प्लस कॉट ए। ओके अब क्या करेंगे प्यारे, अब देखो क्या करेंगे, टेन को बदलेंगे, हमको क्या लाना है सेक, हमको लाना क्या है सेक और कॉसेक लाना है। तो यहाँ पे वन प्लस टेन तो कोई फॉर्मूला दिखता नहीं है, तो हम टेन को चेंज कर सकते हैं ना, जहां पे चेंज करने को होगा वहां पे चेंज कर देंगे जी। ओके टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए बाई कॉस ए हो गया, कॉस को तुम ऐसे रहने दो, वन प्लस कॉट को चेंज करो, कॉस ए बाई साइन ए चेंज कर दिया मैंने। चलिए अब यहाँ पे क्या भिन्न का जोड़ होता है क्या, यहाँ पे भिन्न का जोड़ हो सकता है, कर लेते हैं भिन्न का जोड़, अंदर अंदर भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ये साइन तो बेचारा ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, चलिए अंदर में, ये अंदर में भिन्न का जोड़ करेंगे, कॉस ए तो क्या होगा, कॉस ए प्लस साइन ए है ना जी, जो कि कॉस से कॉस तो कट जाएगा तो बचेगा साइन ही बचेगा ना, ये वाला ऐसे है, कॉस ए को ऐसे लिखना है, यहां भी एलसीएम हो जाएगा साइन ए, तो साइन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, साइन ए प्लस साइन को साइन से करेंगे कट जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस ए, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया आपको। अब देखिए क्या करते हैं, मेरा तिरछा जा रहा थोड़ा सा एग्जाम में, तुम तिरछा मत, ऐसे तुम्हारे एग्जाम में लाइनिंग वाला कॉपी रहेगा, आराम से तुम बना लोगे, वैसे कुछ गलती वगैरह नहीं होगा उसमें से। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है प्यारे, देखो तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलसीएम ले सकते हैं ना, देखो साइन कॉस का एलसीएम हो जाएगा, साइन कॉस का जाएगा एलसीएम, तो साइन ए इंटू कॉस ए क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो साइन को साइन से तुम काट सकते, जो एलसीएम करोगे ये बटा में, ये एक्चुअली गुना में, ये जो है ना ऊपर ही है गुना, इसके नीचे एक छुपा गुना में ही, ठीक है ना, ये गुना में ही है, तो कॉस को कॉस तो कट जाएगा, बचेगा साइन,
इसको बनाएंगे, इसको भाग करेंगे इससे, तो ये तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन को सबसे गुना करना ऊपर वाला साइन, तो साइन को साइन से करेंगे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। और ये वाला बात ऐसे लिख देते हैं कॉस ए प्लस साइन ए, हो गया। चलिए जी अब यहाँ पे देखें साइन को साइन तो कट कट देगा, तो बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से गुना करो क्या होगा कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस है। अच्छा इन दोनों को डिफरेंस दिख रहा, कॉस ए प्लस साइन ए, साइन ए प्लस कॉस ए, बात तो बराबर है ना, दोनों प्लस में है, यहाँ भी दोनों प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो हम एक काम तो यहाँ से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कॉमन लेते हैं, कॉस ए प्लस साइन ए क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, इधर से भी निकाल लिया इधर से भी निकाल लिया, तो इधर क्या बचा, इधर खाली साइन वाला बचेगा क्योंकि ये तो बाहर निकल गया ना, इसको तो भगा दिया हम लोग। चलिए और यहां से इसको भगाए तो ये बच गया कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे वाला जो बात है साइन ए इंटू कॉस ए, इसको हमें ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है ना, इसको क्या करते हैं ऐसे छोड़ते हैं। अब इस फॉर्मूला आता है, इसका फॉर्मूला देखो आता है ना फॉर्मूला इसका, तो वन हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा कॉस ए प्लस साइन ए इंटू वन, तो वन का तो कोई भाग ही नहीं है ना, कोई लेना देना है नहीं, साइन ए इंटू कॉस ए। यहाँ भी बंटवारा कर दो, यहाँ भी बंटवारा कर दो दोनों में, यहाँ भी दोनों भाई में क्या हो जाएगा बंटवारा हो जाएगा, एक एक करके बंटवारा कर दो। ओके चलिए तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, कर दीजिए बंटवारा, कॉस को देते हैं कॉस ए, कॉस को भी दोनों मिलेगा ना, ये दोनों कॉस को ही मिलेगा, साइन ए इंटू कॉस मिल गया कॉस को, साइन को भी दे दो एक ठो, तो वन का तो कोई वैल्यू नहीं रहा ना, वन तो गुना हो गया खत्म हो गया कहानी उसका, साइन ए इंटू कॉस ए, कॉस कॉस गया काम से, साइन साइन गया काम से, अब काम से चला गया तो यहाँ पे वन बाई साइन ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा वन बाई कॉस ए बचेगा। आपको पता वन बाई साइन ए क्या होता है कॉस सेक होता है ये, और वन बाई कॉस क्या होता है वन बाई कॉस जो है वो सेक होता है ना सेक ए, तो ये तो मुझे लाना था, आर एच एच क्या हो गया पूरा हो गया। क्या आपको समझ में आ गया है, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसी तरह से आपको इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहता है, आपने बहुत सारा कमेंट किया था सर मुझे मतलब इम्पोर्टेंट कम से कम करवा दीजिए ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति वाला, तो मैंने आपको करवा दिया। ओके इसके अलावा और भी वीडियो आते रहेगी और बहुत सारी वीडियो आई भी है, आप जाओ चैनल पे पूरी वीडियो वाच करो, बहुत सारी वीडियो है इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत सारी वीडियो है उसको वाच करो। ओके नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और पहली बार आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और वीडियो को लाइक जरूर करना। ओके डैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बाय।